Hey guys, what's up and welcome back to NSB Pictures. And guys, आज के इस वाली वीडियो में बात करने वाले हैं लोगों के बारे में. एंड मेनली हम बात करने वाले हैं सिग्नेचर लोगों के बारे में. तो लोगो यार ऐसी चीज है जिससे आपकी पूरी फोटो में आपकी मतलब पहचान होती है कि फोटो आपने एडिट किए. आप किसी और की फोटो एडिट करो अगर उसमें आपका लोगो लगा हुआ है तो लोग पहचान लेते हैं कि ये फोटो आपने एडिट किए. एंड आपका एक अलग से स्टाइल बन जाता है लोगो लगाने का. तो इस वीडियो में बताऊंगा आप कैसे अपना सिग्नेचर लोगो बना सकते हैं बहुत ही इजीली. एंड जो भी आपका सिग्नेचर होगा ना जो बिल्कुल रफ आप करते हो पेन कॉपी लेके वो सिग्नेचर आप अपनी फोटो में किसी भी फोटो में कहीं पे भी लगा पाओगे. और हाँ अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही बेकार है एंड आपका सिग्नेचर ज़्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं सिग्नेचर वाले उनका यूज़ करके आप कैसे अपनी फोटो के लिए एक मस्त सा सिग्नेचर लोगो बना सकते हैं ये आपको बताऊंगा इस वीडियो में. एंड जो हैंड रिटन वाला तरीका वो भी आपको पता लगेगा इसी वीडियो में. तो वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है. फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉन्ट वाले तरीके से जो कि आप पिक्सआर्ट के अंदर कर सकते हो. पिक्सआर्ट के अंदर आप बहुत सारे फॉन्ट्स आते हैं उनको लोड कीजिए. एंड जो सिग्नेचर फॉन्ट्स हैं उनके काफ़ी सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. वहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं जो कि बिल्कुल सिग्नेचर के लिए बेस्ट रहते हैं. उनको आप डाउनलोड कीजिए उनकी TTF फाइल निकलती है एक उसको आप एक्सट्रैक्ट करके पिक्सआर्ट के अंदर जो फॉन्ट वाला फोल्डर होता है उसमें पेस्ट कर दीजिए. एंड आपके पिक्सआर्ट में सारे फॉन्ट आपके शो हो जाएंगे. फिर आप जो कुछ भी अपना टेक्स्ट लिखेंगे वो जस्ट एक हैंड रिटन वाले स्टाइल में आ जाएगा. एंड उसको आप किसी फोटो में पेस्ट कर सकते हो. ओके सो चलिए सबसे पहले आपको सबसे पहला तरीका बता दूँ जहाँ पे आपको फॉन्ट्स का यूज़ करके आपके सिग्नेचर बनाने. तो सबसे पहले आपको बहुत सारे फॉन्ट्स डाउनलोड करने होंगे जो कि सिग्नेचर फॉन्ट्स रहते हैं. उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड आपको ये पूरा फोल्डर जो है फॉन्ट्स वाला ये मिल जाएगा. इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स मैंने डाल रखे हैं. तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं अपने जो फाइल मैनेजर है वहाँ पर जाके मैं इस फोल्डर को ढूंढूंगा फॉन्ट वाले फोल्डर को. एंड यहाँ पे जाके मैं सारे फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लूँगा. एंड इसके बाद मैं यहाँ से करूँगा इनको कॉपी. एंड इंटरनल स्टोरेज में जाके जो पिक्सआर्ट का फोल्डर रहता है आपको अपने फ़ोन में मिल जाएगा. यहाँ पे पिक्सआर्ट का फोल्डर यहाँ पे एक फोल्डर होता है फॉन्ट का. फॉन्ट पे हम जाएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे. अब इससे होगा ये कि जो भी सारी ये फॉन्ट्स है ये हमारे पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हमें दिख जाएंगे. तो अब चलते हैं वापस पिक्सआर्ट को ओपन करते हैं. एंड यहाँ पे आपको एक न्यू बैकग्राउंड लेना है वाइट कलर का सॉलिड. सो ये यहाँ पे आपका वाइट कलर का बैकग्राउंड आ चुका है. यहाँ पे आपको अपना फॉन्ट अब लिखना है. तो आपको चलना है यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर. ये रहा टेक्स्ट. एंड जो भी आपका नेम है आपको वो लिख लेना है. जैसे मैं यहाँ पे नीरज लिख लेता हूँ. ओके एंड डन. अब हमें क्या करना है इसका कलर पहले तो ब्लैक कर लेते हैं. एंड अब चलते हैं फॉन्ट के अंदर. तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं जो हमने अभी इंस्टॉल किए थे वो भी आएंगे. एंड वो कैसे आएंगे आपको जाना है यहाँ पे देखिए माय फॉन्ट्स. एंड माय फॉन्ट्स में वो सारे फॉन्ट आ चुके हैं जो हमने अभी डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल किए थे. तो बहुत सारे हैं जैसे ये वाला एक फॉन्ट है और जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं. जैसे ये भी अच्छा लग रहा है एंड ये भी अच्छा लग रहा है तो इसको मैं यहाँ पे रखूँगा अभी के लिए. ओके ये लिखने के बाद इसको हम करेंगे डन. और यहाँ पे नीचे से आप कुछ भी डाल सकते हैं. जैसे आप अगर चाहो तो फोटोग्राफी लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ एक बार फोटोग्राफी लिखता हूँ. एंड इसका भी हम कलर रखते हैं ब्लैक. एंड ये देखिए इस टाइप से हमारा ये लोगो बिल्कुल रेडी है. आप इसका फॉन्ट कुछ भी रख सकते हैं. सो डन. यहाँ पे ये हमारा अब लोगो बन चुका है. आपका नाम जो भी आप वो सिग्नेचर यहाँ पे रख सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. अब आपको ये लगाना कैसे ये आपको बताऊँगा अगले पार्ट में. पहले जानते हैं कि आपको दूसरा लोगो अपना कैसे बनाना है. अब बात करते हैं दूसरे तरीके की जहाँ पे आप अपने हाथ से ड्रॉ करके कोई भी सिग्नेचर अपना जो है उसको लोगो बनाओगे. तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक वाइट पेपर लेना है एंड उसमें ब्लैक या किसी भी कलर के पेन से जो है अपना सिग्नेचर ड्रॉ करना जो भी आप चाहते हो आपका लोगो बने. तो दो तीन बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद जो आपका बेस्ट एक सिग्नेचर निकलेगा उसको हम लोगो बनाएंगे. जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिग्नेचर किए एंड जो मेरे को एक बेस्ट लगा. तो ऐसे बहुत सारे साइन करने के बाद मेरे पास ये कुछ फाइनल साइन निकले एंड मैं इस वाले को फाइनल कर रहा हूँ. ये सिग्नेचर जो है मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है. अब इसके हम फोटो क्लिक करेंगे एंड फोटो आपको कैसे क्लिक करनी है मैं देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ. बाहर पे धूप हो रखी है बहुत सही एंड यहाँ पे मतलब शेडो नहीं आएगी. मैं थोड़ी सी छाँव के अंदर हूँ बालकनी में और यहाँ पे हम इसको जस्ट नीचे रखेंगे जमीन पे एंड टॉप एंगल से फोटो क्लिक करेंगे. और बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि यार फोटो में कहीं पे भी शेडो ना आए. आपका जस्ट ये प्लेन व्हाइट पेपर दिखना चाहिए एंड उसके ऊपर आपका सिग्नेचर उसके अलावा कोई भी शेडो नहीं दिखनी चाहिए. तो चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे ये फोटो आपको क्लिक करनी है. तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ. यहाँ पे काफ़ी सही इवन लाइटिंग्स है और मैं टॉप एंगल से फोटो क्लिक करूँगा. मैं पहले पूरे पेज की एक फोटो ले लेता हूँ उसमें से जो भी हमें सिग्नेचर अच्छा लगेगा उसको हम जूम करके एडिट कर लेंगे. तो मैं एक सही सी फोटो ले लेता हूँ. सो डन हमारी फोटो यहाँ पे आ चुकी है. अब आगे की एडिटिंग हम करेंगे पिक्सआर्ट ऐप के अंदर. सो भाई ये हमारी फोटो आई है जो मैंने अभी क्लिक की थी. तो इसको हम यहाँ से शेयर करते हैं एंड ले चलते हैं पिक्सआर्ट ऐप के अंदर. अब देखिए मेरे को यहाँ से ये वाला लोगो ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना ये वाला सिग्नेचर. तो मैं क्या करूँगा इस फोटो को पहले मैं क्रॉप कर लेता हूँ. जैसे ये वाला सही है इसको हम रखेंगे सिर्फ एंड डन. इसके बाद मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल वाइट हो जाए क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लू सा लग रहा है. तो हम जाएंगे यहाँ से कर्व के अंदर
एंड पहले हम इसको बढ़ा देंगे, तो देखिए बिल्कुल ये वाइट हो चुका है। एंड देखिए इस टाइप से हम कुछ कर्व बनाएंगे ताकि ये कॉन्ट्रास्ट इसका पूरा बढ़ जाए। और ये एक्चुअली मेरा पेन की इंक थोड़ी सी ख़राब थी इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बन पाया ये, बट आपको थोड़ा सा अच्छे से बनाना है। एंड डन, ये हो चुका है। लेकिन ये अभी ब्लू कलर का दिख रहा है तो हम इसका कलर ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, एडजस्ट में जाके इसका सैचुरेशन जो है बिल्कुल कम कर लेते हैं। डन। एंड अभी देखिए आपको ये थोड़ा सा फीका सा लग रहा है तो इसकी हम थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ाएंगे, तो टूल्स में चलते हैं एडजस्ट में एंड इसकी क्लैरिटी को हम फुल कर देते हैं, तो ये बिल्कुल ब्लैक सा हो चुका है। अब यहाँ पे ये हमारा लोगो रेडी है, आप इसके नीचे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे फोटोग्राफी हमने लिखा था अभी। ओके, इसका कलर भी मैं ब्लैक रख लेता हूँ। और इसका फॉन्ट भी हम चेंज कर लेते हैं। सो चलिए फॉर एग्जांपल मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ। एंड ये हमारा ये लोगो रेडी हो चुका है। अब आपको बताता हूँ आपको ये सेव कैसे करना है। सेव करने से पहले आपको इसकी दो कॉपी बनानी है। पहले तो हम इसको ब्लैक एंड वाइट में सेव करेंगे। यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा, सेव हो चुका है। अब इसको एक बार हम ब्लैक कलर में सेव करेंगे तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स के अंदर एंड यहाँ से हम जाएंगे कलर्स के अंदर। कलर्स में एक नेगेटिव का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड डन। तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट अब यहाँ पर बन जाएगा, बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा डार्क नहीं लग रहा बैकग्राउंड तो आप यहाँ से जाएंगे टूल्स के अंदर, कर्व के अंदर एंड इसको थोड़ा सा हम और कम कर लेते हैं तो ये एग्जैक्ट ब्लैक हो जाएगा। डन, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। अब आपको दिखाता हूँ ये आपको अप्लाई कैसे करना है फोटोज़ के अंदर। दो टाइप की फोटोज़ आपकी होती है, या तो डार्क या फिर लाइट, तो आपको मैं दोनों केसेज में दिखाऊंगा आपको कौन सा लोगो कहाँ पर यूज़ करना है। सपोज़ मेरी एक ये फोटो, इसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर अपना लोगो मेरे को लगाना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा एड फोटो में एंड जो मेरा ये वाइट कलर का लोगो था इसको हम लेके आएंगे। ओके, एंड इसका हमें जस्ट ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। ब्लेंडिंग में जाके इसको जो हमें ब्लेंडिंग मोड डार्क रख लेना है, तो डार्कन से जो है इसका कलर वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट वाइट नहीं लग रहा क्योंकि हमने सेव करते टाइम इसका कॉन्ट्रास्ट नहीं बढ़ाया था, तो वो हम अभी भी कर सकते हैं। आपको जाना है यहाँ से एडजस्ट के अंदर एंड इसकी हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। सो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट वाइट हो चुका है, इसको हम यहाँ पर साइड में रख लेते हैं। सो देखिए ये बिल्कुल लोगो हमारे यहाँ पर लग चुका है एंड बिल्कुल सही लग रहा है, ट्रांसपेरेंट बन चुका है। सेम आपको जो ब्लैक कलर का लोगो है वो कहाँ पे यूज़ करना होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ जहाँ पे डार्क का चीज़ है, तो मैं चाहता हूँ लोगो मेरा वाइट कलर का दिखे, तो हम जाएंगे ऐड फोटो में एंड यहाँ से ये वाइट वाला लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको रखते हैं साइड में एंड इसका ब्लेंडिंग मोड आपको रखना है स्क्रीन। स्क्रीन रखते ही इसका ब्लैक बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा एंड आप इसको यहाँ पे लगा के सेव कर सकते हो। सो देखिए दोनों लोगो हमारे काम आ गए हैं यहाँ पे। एंड जो भी आप लोगो बनाओ उसको दो टाइप से ऐसे सेव करो अगर आपका ब्लैक एंड वाइट लोगो है। सो इस तरीके से आप भी अपने लिए सिग्नेचर लोगो अपना ड्रॉ कर सकते हैं एंड अपनी फोटो में इसको बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड ये काफ़ी प्रोफेशनल भी लगता है फोटोज़ में क्योंकि बिल्कुल एक अपना पर्सनल टच इसमें आता है, आपका सिग्नेचर जो खुद का हैंड ड्रॉन है वो आपकी फोटो में लगेगा, तो आपको भी एक फील आएगा कि हमारा खुद का सिग्नेचर हमारी फोटो में लगा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप आपको सारा कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझ आ चुका है एंड आप भी इस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए एक सिग्नेचर लोगो बना पाओगे। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर से करूंगा। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।